काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। आपको बता दें कि यह एक जेल थी जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से जाना जाता था। यह जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। यह भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूर है। इस जेल को अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था। काला पानी का भाव सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है, जहां से कोई वापस नहीं आता। इस जेल की नींव सन 1897 में रखी गई थी। सन 1906 में यह जेल बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में 698 कोठरियां बनी थी। इस कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे, ताकि कोई कैदी एक दूसरे से बात ना कर सके। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने इसे सेल्यूलर का नाम दिया था, क्योंकि यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था, ताकि वो एक दूसरे से बात ना कर सकें। ऐसे में कैदी बिल्कुल अलग पड़ जाते थे और अकेलापन उनके लिए बेहद भयानक होता था। यह जेल समुद्र से घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही दिखता है। इसे पार कर पाना किसी के लिए आसान नहीं है। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी चार दीवारी को एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से बाहर निकलकर भाग जाना बिल्कुल नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा करने वाला समुद्र के पानी में डूबकर मर जाते थे। यहाँ मूल रूप से भारत की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देकर यहाँ भेजा जाता था और उनको सेल के अंदर बेड़ियों से जकड़कर रखा जाता था। तब ऐसा माना जाता था कि जो भी वहां जाएगा वो वापस नहीं आएगा। इस जेल में न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा दी गई। इसके अलावा कई सेनानी दूसरे वजह से मर गए, लेकिन इसके कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, इसलिए इस जेल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। आपको बता दें कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के मन में इसे बनवाने का विचार आया था। अंग्रेज स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों को ऐसी जगह भेजना चाहते थे जहां उनको घोर यातनाएं दी जा सके और वहां से चाहने के बावजूद न भाग सके। असल में अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला तोड़ना चाहते थे। यहां रहने वाले क्रांतिकारियों को घोर यातनाएं दी जाती थी। उनको हथकड़ी बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था। उनसे हर रोज 30 पाउंड नारियल या सरसों का तेल पेरने के लिए कहा जाता था। अगर कोई इस काम का विरोध करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता था। काला पानी यानी सेल्यूलर जेल में सबसे पहले 200 क्रांतिकारियों को लाया गया था। इसके बाद 733 सेनानियों को कराची से लाया गया था। यहाँ न केवल भारत से वर्मा से भी सेनानियों को सजा सुनाने के बाद यहाँ लाया गया था। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ भारत।